यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम सदर्मस्य तदात्मनम सृजामि। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धार्मिक दृष्टि चैनल पर स्वागत है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं, वह चीज हमारे जीवन में सक्रिय हो जाती है। यदि हम दुख पर ध्यान देंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि हम सुख पर ध्यान देंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। प्रकाश की ज्योति अंधेरे में कैसे चमकती है, उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। सत्य की राह पर चलने से हमें जीवन में सफलता और खुशी मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए प्रेरणा होगा। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप अपने काम या जीवन में किसी भी असफलता का सामना कर रहे हो तो आप डरे नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में खुद कहा है, मैं हमेशा आपके साथ हूं। अगर आप धर्म और सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके हौसले बुलंद हो जाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। जो व्यक्ति स्वयं को जानता है, वह जीवन के रहस्यों को समझता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को समझना होगा। कान्हा कहते हैं, यदि कोई आपको ठुकरा दे तो निराश न हो, उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। याद रखें, वे आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त क्षणिक होता है, बस थोड़ा धैर्य रखें। ईश्वर की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुस्कुराते रहें। जीवन में संघर्षों का सामना करना स्वाभाविक है। चेहरे पर मुस्कान रखना आत्मविश्वास का प्रतीक है। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। जिंदगी में कुछ भी खोने का गम न करें, जो आपके पास है उसकी कद्र करें। हर पल को अनमोल समझें। तबीयत से भी ज्यादा खतरनाक नकारात्मक विचार होते हैं, इन विचारों को अपने मन में प्रवेश न करने दें। आत्मविश्वास को बनाए रखें। जीवन में हम कितने सही और गलत हैं, यह जानने के लिए केवल दो ही शख्स आपके साथ हैं, परमात्मा और आपका अंतरात्मा। अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखें, आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। यही सच्चा जीवन है। कामयाबी, यह शब्द सुनते ही मन में एक उत्साह और जोश उभर आता है। हर कोई कामयाब होना चाहता है, मगर सफलता की सीढ़ी चढ़ना आसान नहीं होता। सफलता के पीछे छुपी होती है एक नाकामयाब की संघर्ष की कहानी। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुनकर, उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही सफलता का मार्ग है। यकीन मानिए, वक्त उन लोगों को बेहतर जवाब देगा जो आपके खिलाफ बोलते हैं। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हैं, आईना बने रहिए। फिक्र उन लोगों को करनी चाहिए जिनकी सूरत खराब है। चलिए महाभारत युद्ध की ओर चलते हैं। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया ज्ञान का अमृत, कुरुक्षेत्र की विशाल रणभूमि, वीर योद्धाओं के रण नदन से गुंजायमान, हवा में तलवारों की झनकार और रणनीति की गूंज, एक ओर पांडव सेना, दूसरी ओर कौरव सेना। रणभेरी बज चुकी थी और दोनों ओर के योद्धा युद्ध के मैदान में डटे हुए थे। अर्जुन महान धनुर्धर अपने रथ पर बैठे थे। उनके सामने खड़े थे उनके भाई बंधु, गुरुजन और नाते रिश्तेदार। युद्ध का विचार उनके मन में भारी उथल पुथल मचा रहा था। तभी उनके सारथी भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, अर्जुन यह क्या मोह है? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, डर क्यों? अर्जुन ने कहा, प्रभु ये मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे नाते रिश्तेदार हैं, इन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा पाप के सिवाय? शांत मुस्कान के साथ भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मोह में डूबे हो। आत्मा अमर है, न कभी मरती है न जन्म लेती है। जो मरता है वो है शरीर,
जो क्षणभंगुर है। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था। भगवान कृष्ण ने उन्हें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग दिखाया। उन्होंने समझाया कि आत्मा का कर्म ही उसका धर्म है। उन्होंने कहा, अर्जुन तुम अपना कर्म करो, युद्ध करो, न्याय के पक्ष में लड़ो। विजय तुम्हारी होगी या हार, इसकी चिंता मत करो। तू किस बात पर रो रहा है? तू इस संसार में क्या लेकर आया था? जो आज तेरे पास है वह कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, इसलिए हार मत मानो, संघर्ष करते रहो, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। यही कामयाबी का सच्चा रास्ता है। भगवान कृष्ण के वचनों ने अर्जुन के मन को ध्यान का अमृत दिया। मोह का अंधकार दूर हुआ और अर्जुन ने युद्ध करने का दृढ़ निश्चय किया। लेकिन यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती। युद्ध आरंभ हुआ और अर्जुन ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, परंतु जब उन्होंने अपने प्रियजनों को एक एक करके युद्ध में गिरते देखा तो उनका हृदय विदारक वेदना से भर गया। उन्होंने अपने बाण को रोक लिया और भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु यह सब क्या हो रहा है? यह धर्म युद्ध कैसे हो सकता है? मेरे हाथों से मेरे ही परिजन मारे जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान कृष्ण के विशाल शरीर में समाया हुआ है। उन्होंने युद्ध के विनाशकारी रूप को देखा और समझ गए कि यह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। इस दिव्य दर्शन ने अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने मोह और भय को त्याग दिया और कर्मयोग के मार्ग पर डटे रहे। अंततः धर्म की विजय हुई और अर्जुन ने एक महान योद्धा के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग को जीवन का सर्वोच्च योग मानते हैं। यह वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। कर्मयोग हमें केवल वर्तमान जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि मृत्यु के बाद की गति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता में गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए कर्म योग को सबसे उत्तम माना गया है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। कर्मयोगी कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसे कर्म करना अच्छा लगता है, न कि किसी फल की लालसा में। वह कर्म का त्याग नहीं करता, अपितु कर्म फल का त्याग कर लेता है। फलस्वरूप वह दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान होती है। वह कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल दे रहा है, बदले में कुछ नहीं। इसलिए वह कभी दुख का अनुभव नहीं करता। कर्म योग के अनुसार संसार का कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, निष्काम कर्म सदैव ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। कर्मों के असली धनी हैं कर्मयोगी। फल की आसक्ति से मुक्त कर्म करते हैं और उसी कर्म में अपना लक्ष्य ढूंढते हैं। पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से मुक्ति पाने का यही रहस्य है। भोग विलास की आग में जलने वाली वासनाओं का संचय उनके मन में नहीं होता। मन वायु की तरह चंचल तो जरूर है, मगर कर्मयोगी उसे वश में करना जानते हैं। यही मन जो कभी काम वासनाओं की ओर खींचता है, वही एकाग्र होकर लक्ष्य प्राप्ति में सहायक बनता है। गीता का सार यही है कि व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं को त्याग कर मन को नियंत्रित करना ही सफलता का द्वार खोलता है। कर्मयोगी का जीवन इसी सिद्धांत पर टिका है। नतीजा सफलता उनके कदम चूमती है और लक्ष्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। यही सफलता उन्हें पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त करा मोक्ष की राह पर ले जाती है। कर्मयोगी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि मन को वश में करना ही सच्ची जीत है। इस जीत से ही जीवन में सफलता और आखिर में मोक्ष की प्राप्ति संभव है। भगवान कहते हैं, अगर तुम अपने मन को वश में नहीं करोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो मनुष्य सुख और दुख में समान रूप से शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न तो प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ध्यान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है।
स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। जिस प्रकार विशाल समुद्र अटल रहता है, चाहे कितने भी भयंकर तूफान आए या कितनी भी नदियां उसमें विलीन हो जाएं, वह अपनी सीमाओं से विचलित नहीं होता। उसी प्रकार योगी को भी अपनी स्थिति में अटल रहना चाहिए। सांसारिक सुखों और दुखों का आना जाना, जीवन में उतार चढ़ाव, इन सब के बावजूद योगी की समाधि अचल रहनी चाहिए। जो मनुष्य मोह माया, कामनाओं, अहंकार और ममता का त्याग कर जीवन जीता है, वही सच्ची शांति प्राप्त कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जो सभी में नहीं होता। प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही समय पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा धार्मिक दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।